आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना ऑफ द पॉइंट्स जिसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो अगर हमारे पास r, थीटा है तो इसे हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एंड इसी का अगर हम x, y लेते हैं तो ये होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसे हम फाइंड किस तरह से करते हैं, तो इस केस में x जो होता है ये होता है r cos थीटा एंड y जो है ये होता है r टाइम sin थीटा। तो हमारे पास अभी जो r, थीटा गिवन है ये है 5√2, π/4। तो इसका मतलब r जो है ये तो 5√2 हो गया और थीटा हो गया π/4 के इक्वल। तो इसका मतलब x जो है ये होगा 5√2 cos of π/4, दैट इज 5√2 cos π/4 हमें पता है 1/√2 होता है, तो ये कैंसिल आउट होके 5 के इक्वल हो गया। सिमिलरली y हो जाएगा 5√2 times of sin of π/4, दैट इज 5√2 और sin π/4 भी 1/√2 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो और ये 5 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स जो x, y हमें फाइंड करना था वो हो गया 5, 5 के इक्वल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड आवर आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।